नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो जो भी बच्चे BTUP के आठ सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर वेट कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट का वेट कर रहे हों, थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट का वेट कर रहे हों, या फिर आप फिफ्थ सेमेस्टर के रिजल्ट का वेट कर रहे हों, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है। अब इम्पॉर्टेंट अपडेट यह है कि आपके आठ सेमेस्टर के रिजल्ट आने की डेट कन्फर्म हो गई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जो भी बच्चे अपने और सेमेस्टर के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है कि आपका जो और सेमेस्टर का रिजल्ट है वो किस डेट तक आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच ज़रूर करिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली किसी भी प्रकार की जो अपडेट है, चाहे रिजल्ट से संबंधित हो या अन्य किसी भी प्रकार से संबंधित हो, आपसे मिस न होने पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी बच्चे अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और सेमेस्टर का, आप सभी के लिए जावेद मुस्तफ़ा सर की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, जिसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट बता दी है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो इस डेट से इस डेट के बीच में देखने को मिलेगा। तो जावेद मुस्तफ़ा सर के द्वारा ये दी गई अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। इसके पहले भी उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट बताई थी कि इस डेट से इस डेट के बीच में रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन उस डेट में जो उन्होंने बताई थी उसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ है और अब आपका जो रिज़ल्ट है वो इस डेट को आने की संभावना है। तो क्या अपडेट है, चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। देखिए, जावेद मुस्तफ़ा सर ने अपडेट दिया है कि पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर के परिणाम के लिए इसके पहले जो उन्होंने सूचना दी थी उसमें इन्होंने कहा था कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 10 से 15 अप्रैल तक आ जाएगा, लेकिन उस सूचना में कुछ थोड़ा सा बदलाव हुआ है और अब आपके रिज़ल्ट आने की जो संभावित डेट है वो चेंज होकर 15 से 17 अप्रैल हो चुकी है। तो उम्मीद यही है कि जो जैसा जावेद मुस्तफ़ा सर ऑलवेज़ अपडेट देते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट देते हैं आपके रिज़ल्ट को लेकर, तो संभावना यही है कि जो आपका रिज़ल्ट है वो 15 से 17 अप्रैल को देखने को ज़रूर मिलेगा। और यदि इस तिथि में किसी भी प्रकार का बदलाव होता है या किसी भी प्रकार के अन्य आपके लिए नोटिफिकेशंस आते हैं रिज़ल्ट से संबंधित, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की अपडेट से छूटने ना पाए। फिलहाल आपके लिए जो रिज़ल्ट की डेट यहाँ पर बताई गई है वो 15 से लेकर 17 अप्रैल के बीच में रिज़ल्ट आ जाएगा। बाकी इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव होता है तो सूचना यहीं पर मिलने वाली है। गाइज, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और अपडेट के साथ, तक के लिए जय हिंद।